नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। खबरों का रुख कर लेते हैं। देहरादून में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आज समापन होगा। बता दें, यात्रा के आखिरी दिन बाजपुर, गदरपुर और रुद्रपुर में जनसभाएं होंगी और इसके बाद रुद्रपुर में यात्रा का समापन हो जाएगा। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौतियाल, पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह यात्रा में शामिल होंगे। तो बता दें, आज कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का समापन होने वाला है और ऐसे में रुद्रपुर में इस यात्रा का समापन होगा। पिछले कई दिनों से कांग्रेस की तरफ से ही परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है और आज इस यात्रा का रुद्रपुर में समापन हो जाएगा। चलिए, उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, आज इस कांग्रेस की यात्रा, परिवर्तन यात्रा का समापन होने वाला है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, कांग्रेस द्वारा चलाई गई अपनी परिवर्तन यात्रा का आज समापन होना और 3 सितंबर से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ था, जो कि मुख्यमंत्री की विधानसभा खटीमा से इस यात्रा को कांग्रेस ने शुरू किया था। और आज कहा जा सकता है कि बाजपुर, रुद्रपुर और गदरपुर होते हुए ये यात्रा समापन की जाएगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस तरीके से प्रदेश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी जी, और 3 कृषि कानून, सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के दामों में वृद्धि हो रही, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने ही अपनी परिवर्तन रैली चलाई थी, जिसमें मुख्यतः जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे बात कर ली जाए, हरीश रावत मौजूद थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौतियाल मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह मौजूद थे, साथ ही जो इनके प्रदेश प्रभारी है वो भी इस यात्रा में मौजूद थे। कुल मिला के कहा जा सकता है एकजुटता दिखाने की कोशिश कांग्रेस अब उत्तराखंड में करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि 2 गुटों में बदली हुई है, जिसमें एक बिल्कुल सुभाष देखिए सुभाष जिस तरह से आप कह रहे हैं इस यात्रा के उससे ये दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है कि एकजुट है कांग्रेस, लेकिन अगर हम अंदर की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में अंतःकलह, चाहे वो उत्तराखंड में हो या फिर कांग्रेस आला कमान में हो, वो भी देखी जाती है। अभी अगर पंजाब की बात कर ली जाए तो वहां पर भी काफी अंतःकलह चल रही है। ऐसी खबरें पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड से भी सामने आ रही थी, यानी कि दिखाने की कोशिश कुछ और की जा रही है और अंदर कुछ और चल रहा है। जी बिल्कुल पारुल, क्योंकि अब चुनाव में समय बहुत कम बचा है उत्तराखंड में, क्योंकि ये माना जा सकता है कि केवल 6 महीने का समय आप कांग्रेस के पास बचा हुआ है चुनाव के मैदान में उतरने के लिए, और इस 6 महीने में कांग्रेस की जनता के बीच वो पहुंचे, जनता के जो मुद्दे हैं वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश करे, सरकार की जो नाकामियां रही हैं वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश करें, और साथ ही कांग्रेस में किसी प्रकार की कोई कलह नहीं है, कोई अंतर कलह किसी भी नेता के आपसी विवाद नहीं है, ये दिखाने की कोशिश भी अब कांग्रेस जनता के सामने करती हुई नजर आएगी। और यही कारण है कि एक विशाल परिवर्तन जो रैली है उसका आयोजन कांग्रेस संगठन द्वारा किया गया, और उस रैली में ना केवल संगठन के बड़े नेता दिखाई दिए बल्कि हरीश रावत और प्रीतम सिंह भी नजर आए, और ये कहा जा सकता है एक विस्तृत रूप में ये परिवर्तन यात्रा की गई थी, जिसका आज समापन होना है रुद्रपुर में। लेकिन बड़ी चीज ये है कि यात्रा में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनमें जोश भरने का काम इन बड़े नेताओं द्वारा किया गया, खासतौर से हरीश रावत, प्रीतम सिंह, जो 2 गुट माने जाते थे, जब वो एक ही मंच के नीचे खड़े नजर आए तो कहा जा सकता है कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनमें भी कहीं ना कहीं ऊर्जा नजर आई, और कुल मिला के 2022 का चुनाव को देखते हुए यानी कि कांग्रेस ने पूरी तरह से सुभाष कमर कस ली है कि इस बार कोई भी कमी पार्टी के अंदर नहीं छोड़ी जाएगी और किसी भी तरह की किसी को शिकायत ना हो, इसीलिए पूरी तैयारी अभी से कर ली जा रही है। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि चुनाव नजदीक है तो तैयारियों में जरूर कांग्रेस जुट चुकी है, और यही कारण है कि अब कांग्रेस के जो बड़े नेता शुरुआती दौर में एक दूसरे से कतराते हुए नजर आते थे, एक मंच पे खड़े होने से नजर नहीं आते थे, लेकिन वो आज एक ही मंच पर एक ही रैली में नजर आ रहे हैं, तो उसे ये साफ कहा जा सकता है कि कांग्रेस कोई भी चूक नहीं करना चाहती 2022 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि 2017 का जो विधानसभा चुनाव था उसके नतीजे पूरे प्रदेश के सामने मौजूद हैं कि केवल 11 सीटों पर सिमट कर कांग्रेस रह गई थी, और इसका मुख्य जो कारण था वो यही था कि गुटबाजी बहुत अधिक हो गई थी कांग्रेस के अंदर, क्योंकि एक तरफ सरकार थी तो दूसरी तरफ संगठन मौजूद था, तो ये कहा जा सकता है सरकार और संगठन का जो मेल जोल था वो बहुत अच्छा नहीं था, और यही कारण था कि 11 सीटों पर कांग्रेस 2017 के विधानसभा चुनाव पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन अब क्योंकि
सत्ता में कांग्रेस नहीं है और केवल 11 ही विधायक उनके विधानसभा तक पहुंचे हैं, तो कांग्रेस चाहती है कि एक बार वो फिर उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाए। और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं, एक ही मंच के नीचे नजर आ रहे हैं। और कहा जा सकता है कि संगठन और जो बड़े नेता हैं वो मिलजुल कर इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये यात्रा की गई और सफल यात्रा मानी जा सकती है कांग्रेस की जो परिवर्तन यात्रा है, क्योंकि ये देखा गया कि 3 सितंबर को जब यात्रा का आगाज मुख्यमंत्री की विधानसभा सीट खटीमा से किया गया तो एक विशाल जन समर्थन कांग्रेस को मिला। और ये कहा जा सकता है कि लगातार जो जन समर्थन था वो आज भी कांग्रेस को मिलता हुआ रैली में नजर आ रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कुछ देर में जो रैली है वो भाजपुर विधानसभा से चलेगी, वहां के स्थानीय लोगों के साथ चलेगी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो बढ़ चढ़कर इस रैली में अपना समर्थन देते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए दोपहर 2 बजे गदरपुर जो परिवर्तन रैली है वो पहुंचेगी और शाम 4 बजे रुद्रपुर विधानसभा में रैली पहुंचकर इस रैली का समापन किया जाएगा। कुल मिला के कहा जा सकता है कि कुमाऊं मंडल की जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उन सीटों को देखते हुए रैली का आगाज किया गया था और शुभारंभ कुमाऊं मंडल से ही कांग्रेस द्वारा किया गया है चुनाव का। अब क्योंकि चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस चाहती है कि वो जो रैलियों का दौर है वो पहले शुरू करे और हर चीज में पहले निकल जाए भाजपा से। बिल्कुल सुभाष, और इसीलिए पूरी तरह से कांग्रेस जो है वो अलर्ट होती एक्टिव होती नजर आ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आज कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का समापन होने वाला है और ऐसे में रुद्रपुर में शाम के समय इस यात्रा का समापन हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र के छोटे से गांव गोविंदगढ़ गांव के रहने वाले प्रवीण कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीतकर पूरे दुनिया में देश का नाम रोशन कर दिया है। जी हां, और आज न्यूज वॉल इंडिया की टीम प्रवीण कुमार के गांव पहुंची और उनके परिजनों से प्रवीण कुमार के बारे में बातचीत की। ये रिपोर्ट देखिए। ये सकरा सा रास्ता और ये छोटी छोटी गलियों से होता हुआ रास्ता सिल्वर पदक विजेता प्रवीण कुमार के गांव के लिए जाता है। प्रवीण कुमार ने हाई जंप में टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है और गांव का नाम, क्षेत्र का नाम और देश का नाम रोशन कर दिया है। ग्रेटर नोएडा से करीब 48 किलोमीटर दूर ये गांव गोविंदगढ़ में स्थित है, जहां के लिए ना तो अभी अच्छे रास्ते हैं और ना ही गांव में कोई खेल का स्थान है और ना ही गांव में कोई बड़ा विद्यालय है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रवीण कुमार ने पूरी दुनिया में इस गांव का नाम रोशन कर दिया है। ये घर है पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले प्रवीण कुमार का। घर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन परिस्थितियों से प्रवीण गुजरे होंगे और आज ये मुकाम हासिल किया होगा। उनके पिता अमरपाल सिंह सिंचाई विभाग में कार्यरत हैं और मां एक गृहिणी हैं। प्रवीण कुल 3 भाई बहन हैं। उनके पिता ने बताया कि प्रवीण ने शुरुआत से बहुत मेहनत की है, उन्होंने कभी खुद को विकलांग नहीं माना और उसने हमेशा गाँव के हर खेल में हिस्सा लिया और वो सब बच्चों के साथ खेलता था। कहा जाता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा ही नज़ारा पेश किया है गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र के गोविंदगढ़ गांव के प्रवीण कुमार ने, जिन्होंने पैरा ओलंपिक 2020 में हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। ये एक छोटा सा गांव है जहां से निकलकर प्रवीण कुमार टोक्यो पहुंचे और वहाँ जाकर देश का नाम रोशन कर दिया। आज हम उनके घर ही पहुँचे हैं और उनके पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पता करते हैं कि किस तरह की मेहनत प्रवीण ने की थी और आज जिस मुकाम को उसने हासिल किया है किस तरह से किया था। पहले तो आपको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि प्रवीण ने सिल्वर मेडल जीता है। धन्यवाद। तो क्या, किस तरह की मेहनत प्रवीण ने की थी? प्रवीण का शौक पहले से रहा है खेलने का, गाँव में भी जो है बच्चों के साथ में 2-2, 3-3 घंटे खेलने निकल जाता था घर से, मालूम ही ना पड़े कहाँ गए, ढूंढ के लाना पड़ा कहाँ है। उसके बाद में ये पढ़ाई चालू करवाई इसकी, पढ़ाई चालू होने के बाद में फिर ये खेलों में कुछ रुचि निकाह पड़ी, मैंने फिर इसको बढ़ावा दिया, मैंने भी रोकना बंद कर दिया, मैं क्यों रोक गया जब कि इसका मन खेलने में है। तो प्रज्ञान से उठाए, प्रज्ञान में फिर जो है खेल हुए थे जैसे स्कूलों में होते हैं, तो उसमें ऐसा हुआ कि इसका नाम नहीं लिखा, स्कूल वाले पहले छुट्टी से 5 मिनट पहले स्कूल से बाहर कर देते थे,
कि विकलांग था, कभी ऐसी ना हो कहीं चोट होट लग जाए इसके, तो एक विकलांग की वजह से उन्होंने नाम नहीं लिखा, ना ही कर दी। इसने आके मुझसे कही पापा ऐसे बात है खेल चल रहे हैं, मैं फिर क्या करूं भाई, मैं कि मेरा नाम लिखवा दो अपने, मैं तू क्या करना चाहे ऊँची कूद भी दूँगा मैं। फिर मास्टर ने कहा के दी कि मैं ना ही कर दी उन्होंने, वो ठीक है नंबर दे मुझे, मैंने बात फ़ोन पर बात करी उससे, मैं भाई तुझ पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, अगर बच्चा चाह रहा तो एक बार कूद के देख लेंगे भाई, स्कूल की तरफ फिर तो खेलने कोई थोड़ी कहीं जिले लेवल के अब तुरंत लेवल के हो रहे हैं। वो फिर मान गया, बोला ठीक है आप भेज दीजिए, वो भेजा तो यहाँ वहाँ पर ये पहले नंबर पर आया। जब पहले नंबर पर आया तो स्कूल में नाम हो गया, उसके बाद जो है का फिर स्कूल वाले भी जो है का इस पर गौर करने लगे, और जो इसको वो दे रहा कि छूट पहले के 5 मिनट पहले निकाल दे स्कूल से, वो भी फिर बंद कर दी, तो ये फिर दूसरी तरह का आ गया, हम विकलांग की जगह पर दूसरे दौर में बदल गया। फिर ये जिला लेवल पर खिलाया, वहाँ भी पहले नंबर पर आया, फिर CBSE का नेशनल आया नॉर्मल बच्चों का ही वहाँ छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ भेजा ये, तो छत्तीसगढ़ पहुँच जाने के बाद में वहाँ भी ये गोल्ड लेके आया, वहाँ से पहले नंबर पर आया। फिर उसके बाद में जाकर ये अलीगढ़ गया था जिला लेवल के खिलाड़ियों के संग, तो वहाँ तो ऐसा चक्कर बना कि एक जो इनका जो मास्टर होता है PTI बोलो ऐसे कोच बोलो जो बच्चों को सिखाता है, वो नई उम्र का लड़का था, वो भी हाई जंपर था, जब प्रवीण के बराबर काई पर ना कूदी वहाँ तो वो वन लगता उतार ली कि बोला मैं कूदूंगा तेरे बराबर, प्रवीण बोलो ठीक है जी सर आप भी कूद देते, तो कूदी उस पर भी नहीं था। फिर उसके बाद में गाजियाबाद गया, गाजियाबाद इसको एक कोच है नाम तो मुझे जानकारी नहीं, उन्होंने फिर सतपाल सिंह का नंबर दिया इसे, और इसे कही आप तो दिल्ली जाएगा वहाँ मिल जाए। प्रवीण की माताजी ने बताया कि उनके बेटे ने पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रवीण ने अपनी मां का नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है और उनके लिए ये गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि उसे बचपन से ही खेलने का बहुत ज्यादा शौक था और वो खेल में बहुत रुचि रखता था। वहीं गांव के वर्तमान प्रधान ललित ने बताया कि 7 तारीख को प्रवीण कुमार पदक लेकर आएंगे और उनके स्वागत की जबरदस्त तैयारियां की जा रही है। एयरपोर्ट से ही बड़े ही धूमधाम से उनका स्वागत किया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि गांव में प्रवीण कुमार के नाम से एक स्टेडियम भी बनना चाहिए। सिल्वर पदक विजेता प्रवीण कुमार की माता जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। जब जो है प्रवीण शुरू में छोटा सा खेला करते थे तो आप क्या उन्हें प्रोत्साहित करती थी, कहती थी कि हाँ खेलो या पढ़ाई करो? छोटा सा तो वो पहले तो 2-3 साल का था जब तो अपने आप ही किसी पर चढ़ जा खाटों पर लटक जाता था और वैसे किवार की उन्हें पकड़ के उछकता था, कोशिश करता था उन्हें मैडम बेटा ऐसे मत किया करो पैर में लग जाएगी चोट, मैं चोट पैर में, पर वो नहीं मानते थे, थोड़ी लिए देर तेरी लिए तो मम्मी ठीक है बाकी फिर उसी काम पर लग जाते, फिर पढ़ने भी जाने लगे, और पढ़ने जाने लगे तो फिर स्कूल में भी वो होने जा देखे जैसे बालक खेलने लगे तो उनके संग खेलने लगे, फिर उन्होंने कहीं उनको हो गए सिलेक्शन करे बाहर ले गए, फिर कहने मतलब जो है उनको खेल में जुट गए। अब आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया आपके बेटे ने, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ऐसे ही रोशन करे देश का नाम रोशन करे, मेरा क्या बेटा है सारे देश का बेटा है, मैं यूं ही चाहूं कि वो ऐसे ही नाम रोशन करे। अब प्रवीण जीत के आने वाले हैं, क्या तैयारियां, किस तरह से स्वागत करोगे? देखो एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे पहली बार तो सीधा जैसे ही अपने प्रवीण भाई अपने एयरपोर्ट पे आएंगे 7 तारीख को शाम को 4 बजे ऐसा बता रहे हैं उनके कोच साहब, तो पहले एयरपोर्ट पे ही वहीं से भव्य स्वागत बहुत जोर तोर तरीके से हम उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। जैसे ही हमारे प्रवीण भाई यहाँ पे आएंगे तो हम उसका बहुत जोर तोर तरीके से बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करेंगे। और आप तो जानते होंगे और क्या क्या खेल इसके अलावा वो खेलते थे? वॉलीबॉल में बहुत इंटरेस्ट है उनको, जैसे हमारे प्राइमरी स्कूल पे बच्चे यहाँ खेलते हैं तो उनका जो एक टैलेंट था उनको जब आप खेलता हुआ देखोगे प्रवीण कुमार को तो आपको उनकी ऊर्जा उनका जो टैलेंट है, आप मैं ये कह रहा हूँ कोई भी खेल के प्रति रुचि रखता होगा वो उनको खेलता हुआ देखेगा
तो गजब का उनमें टैलेंट उनका देखने के लायक था। एक ऊर्जा होती है, कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है एक बच्चे के अंदर इतनी कम उम्र में। मुझे लगता है कि पैरा ओलंपिक में सबसे कम एज उनकी है 18 साल, और कोई पैरा ओलंपिक में इतना कम अंडर एज नहीं है। जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रवीण कुमार ने इस क्षेत्र को एक नई पहचान दी है। गांव से निकलकर दुनिया में नाम रोशन किया, हमारी सरकार प्रवीण कुमार के नाम पर क्षेत्र में एक स्टेडियम भी बनवाएगी, जिसको लेकर मेरी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हो गई है। उन्होंने भी परिवार से बात की और उनको बधाई दी, साथ ही मिलने की भी बात कही है। बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला क्षण है, और सभी लोगों को बहुत खुशी हुई, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से जहाँ साधन ना हो और एक ग्रामीण प्रतिभा निकलकर टोक्यो में हिंदुस्तान का झंडा बुलंद करे, तो ये हम सभी के लिए बहुत फख्र की बात है। क्योंकि उनके फादर मेरे बड़े अजीज़ रहे हैं अमरपाल जी, और वो तकरीबन हर महीने मुझसे मिलते रहे, तो वो मुझे बताया करते थे लड़के को खेलों में शौक है। मैं भी लड़के से बात करके उसे इंसिस्ट करता था कि आगे बढ़ो, अपने गांव का, अपने क्षेत्र और देश का नाम रोशन करो। तो बच्चा वो शुरू से ही कुछ करने की एक ललक लिए हुए था। मैं जिस दिन ये सूचना मिली, हमने मैच भी देखा सुबह, और मैं फौरन उनके गाँव पहुँच गया था, तो जो एक माहौल मैंने देखा, भावनात्मक रूप से सभी लोग इतने खुश थे कि आज दुनिया में गोविंदगढ़ और जेवर का नाम जाना जा रहा है सिर्फ प्रवीण की वजह से और उसकी प्रतिभा की वजह से। यद्यपि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद लोग जेवर को जानने लगे, लेकिन प्रवीण ने एक ऐसा सुखद एहसास हम लोगों को कराया कि पूरी दुनिया जेवर को जानने लगी प्रवीण के माध्यम से। तो आने वाले समय में हमारा इरादा है कि प्रवीण के नाम से हम नौजवानों को एक ऐसा प्रेरणा का पथ दें जिससे और भी ग्रामीण प्रतिभाएं। प्रवीण कुमार ने दिव्यांग होते हुए भी इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है और साबित कर दिया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपनी शारीरिक कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और दुनिया में एक मिसाल साबित कर दी। फिलहाल उनके परिजन उनके आने का इंतजार कर रहे हैं और धूमधाम से स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए नोएडा से भूपेश कुमार की रिपोर्ट। काशीपुर में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रिटायर्ड कर्नल अजय कोटियाल, आप प्रदेश उपाध्यक्ष राज्य आंदोलनकारी दीपक बली बाली के आवास पर पहुंचे और उन्हें साथ लेकर सल्ट में शहीद दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है और अपना मजबूत संगठन खड़ा कर चुकी है, जिससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही घबरा गई है। इसीलिए प्रदेश की जनता को समझ जाना चाहिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी ही चुनावी शिक्षित देकर प्रदेश में सरकार बनाएगी और उत्तराखंड नवनिर्माण के अपने संकल्प को पूरा करेगी। मेरे को आइडिया नहीं है कितना फर्क पड़ेगा, पर मेरे को यह पता है कि कांग्रेस भी परिवर्तन यात्रा कर रही है, बीजेपी भी यात्रा कर रही है। ये तो कैंपेनिंग के तरीके होते हैं आखिरी 6 महीने पहले। कितना उस पर असर आएगा पता नहीं। हमारा भी मूवमेंट अपने कैंपेन के जरिए चलते रहेगा। हमारे जो कैंपेन होंगे उसका बेसिक मुद्दा होगा ज़्यादा से ज़्यादा समाज से मिलें, उनसे समझें कि वो क्या चीज़ को समझते हैं कि वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उन प्रायोरिटीज़ को अपने इसमें मैनिफेस्टो में लेकर के हम इलेक्शन में 2022 में लड़े। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा और पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 3,67,00,000 का बजट पास किया है। ऐसे में प्रत्येक कारोबारी को मात्र 2,000 की सहायता मिल रही है, लेकिन पर्यटन और यात्रा कारोबारी सरकार की ओर से मिल रही इस राहत राशि से खुश नहीं है। दरअसल कारोबारियों का कहना है कि 2 साल से पर्यटन और यात्रा ठप पड़ी हुई है और उसके
पास उनके पास भुखमरी की समस्या खड़ी हो गई है। इस बार 2000 की धनराशि से उनका गुजर बसर नहीं होने वाला है। सरकार मात्र खाना पूर्ति करने के लिए ये राशि दे रही है और ये राशि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। सरकार ऐसे में ये राहत राशि मात्र खाना पूर्ति साबित हो रही है। ऐसे में रुद्रप्रयाग के होटल व्यवसायियों का कहना है कि सरकार को 2000 की राहत राशि देने के बजाय बिजली पानी के बिल बैंक का ब्याज आदि माफ करना चाहिए। 1000 में तो गैस सिलेंडर भी भरा जा रहा है, 2000 रुपए में कुछ नहीं होने वाला है। भाई देखिए सरकार क्या करना चाह रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मात्र 2000 रुपए हमें दे रही व्यवसायियों को, आप ये बताइए कि क्या 2000 रुपए में हमारे बाल बच्चे पल जाएंगे क्या? 2 साल से कोरोना काल लॉकडाउन के चलते हमारी आर्थिकी खत्म हो गई है, छिन्न भिन्न हो गई है। अभी 4 धाम यात्रा पे ब्रेक लगा हुआ है, सारी यात्राएं चल रही, चाहे तुंगनाथ का हो, चोपता का हो या अन्य चीजें, लेकिन मठ मंदिर बंद है। और उसके बाद सरकार हमें थोड़ा सा ऊंट के मुंह में जीरा 2000 रुपए दे के व्यवसायियों को खरीदना चाहती है क्या? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 2000 रुपए में क्या हो जाएगा बताइए? हम सरकार का विरोध करेंगे और हमें पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करना होगा, नहीं तो पूरे केदार घाटी में उग्र आंदोलन छेड़ने को हम बाध्य हो जाएंगे। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जो ये सरकार ने पूर्ण रूप से 4 धाम पे प्रतिबंध लगाया है, मेरा ये कहना है सरकार से, क्या हमारे 4 धाम में ही कोरोना बैठा है? आप देख रहे होंगे पूरे शहरों में कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, मॉल खुल गए हैं और होटल खुल गए हैं, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। और जिस तरीके से सरकार हम होटलियरों को 2000 रुपये राहत के नाम पर खाना पूर्ति कर रही है, मुझे लगता नहीं इससे कुछ भला होने वाला किसी का। क्योंकि आप देख रहे होंगे 1000 रुपये का तो सिलेंडर ही कर दिया है सरकार ने, घर घर सिलेंडर पहुँचा दिया है, लेकिन उसके दाम इतने ज़्यादा कर लिए कि खाने के लाले सामने आ रहे हैं। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर एक निजी स्कूल में शिक्षकों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कोटद्वार ASP मनीषा जोशी और द्वारिकखाल के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने शिरकत की। इनकी तरफ से शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं शिक्षक दिवस के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक मनीषा जोशी ने सभी अध्यापकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, कोटद्वार में बच्चों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, मेरा संदेश है कि हमारी तरफ से तो बच्चों में नशे को रोकने का काम कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अध्यापकों की ही है कि वो बच्चों को नशे की ओर बढ़ने से रोकें। तो मैं सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी और उनसे कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आज समाज में स्टूडेंट्स में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, वो काफ़ी चिंता का विषय है। कोटद्वार में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो नशे की गिरफ्त में हैं, चाहे वो शराब के तौर पे हो, स्मैक हो या किसी अन्य तरह का हो। तो मैं चाहूँगी कि शिक्षक जो हैं उनको प्रेम से, अपने शिक्षा से, किसी भी तरह से इस तरफ ना जाने दें, उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ बनाएं। अगर करियर और पढ़ाई में ध्यान जाएगा तो शायद नशे की जो लत है उससे हमें छुटकारा मिल पाएगा। शिक्षक दिवस है और मेरा ये है कि हमने जो द्वारिकखाल ब्लॉक में और यमकेश्वर विधानसभा में, मेरा ये रहा कि भाई गुरुजनों ने बहुत कोविड कार्यकाल में हर तरीके से काम किया, लेकिन आज जिस परिस्थितियों में हमारे गुरुजन वहाँ पढ़ा रहे हैं उन क्षेत्रों में बड़ी दुखद बहुत भौगोलिक परिस्थितियाँ बड़ी अनुकूल नहीं हैं और बड़ी दिक्कतें हैं उन लोगों को हैं, स्कूलों की हालत बड़ी जर्जर है और बच्चों को जिस उस कंडीशन में भी हमारे गुरुजन बड़े अच्छे तरीके से बड़े अच्छे साहस के साथ उन बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं और उस क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहे हैं। जुलाई महीने में आई भारी बारिश की वजह से ईरानी पगना के बीच नदी में बना पुल बह गया था, तब से ग्रामीणों का नदी पार करना दुश्वार हो रखा था, लेकिन आज भी पहाड़ों के लोगों में सामूहिकता और श्रमदान से काम करने की प्रवृत्ति बरकरार है। चमोली के ईरानी के ग्रामीणों ने ईरानी पगना के बीच नदी में लगभग 16 मीटर लंबाई का लकड़ी का अस्थाई पुल बनाकर आवागमन शुरू कर दिया है। इस काम में PMGSY और MRN कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी ग्रामीणों का सहयोग मिला, तो ऐसे में ग्रामीणों ने खुद ही अस्थाई पुल बनाकर आवागमन जो है वो शुरू कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से तेज बहती ये नदी है और उसके ऊपर लकड़ी का ये पुल ग्रामीणों की तरफ से बनाया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।